आप बम्बई की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है तू? तानी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने वो किसके पास टाइम है गुरु, अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत पक पक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है जिसके पास बोल बच्चे ने वही तो अमिताभ बच्चन है। क्या चल, चल सामान उठा। सामान उठाऊ मैं? अरे चल सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। रोक रहे हरिया। आओ गुरु आओ। आओ गुरु, कैसा लगा हा? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो फाइव स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे ये मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु, गरीब के दिल के माफी न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद। अरे एक मिनट एक मिनट, नहीं सर ये पागल है, मेंटली है बिल्कुल, इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ। पागल खाना इसको बाहर निकल दिया साहब, क्या करें, किसी ने उसका कान काट लेता है, डॉक्टर का टाइट लेता है, दवा तो खाता नहीं, दुआ का असर हो रही। इसका ठीक तरह से इलाज करा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए। थैंक यू साहब। बाल बाल बच गया भाई। भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुड़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या किया था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पर हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर है। हाँ। ये देखो ये टोनी मुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला चांद का बंगला। क्या गुरु कैसा लगा आपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कबूतर का भी दम घुट जाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई, यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि उनको मालूम है, ये भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब, चार पांच मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कब्र बोलेगा। हमारा घर कब्र है क्या समझता क्या? सिस्टर सिस्टर आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी का माफिक शुरू हो गया है, आप सुनो तो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा था? क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा, लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही 2 रुपया वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग, सुबह हम व्यक्ति देंगे, उसके बाद तुमको खाना पीना बाहर करने का, हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड, रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तूने ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओ, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब,
और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं, साहब बीमारी फैला रहे हैं, साहब बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे। साहब मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा, अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं मैं, रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं 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 नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। अवलदार, यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे, भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे कौन नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचान, कोई पहचाने का नहीं मुझे। टोनी इसको क्या हुआ? अरे टोनी तुम ये क्या? सिस्टर आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं गया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके नहा धो ले। मैंने क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है। हमको भी लगता है। कुछ करो मैं। बकरी। लाइक दिस टेडी? ओफो, टेडी से क्या होना यार, यहाँ पे टेडी, घर में डैडी, काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी रेडी, मेरी लाइफ हो जाएगी लड़की। माय गॉड, मेरा हीरो, मेरा हीरो। ओह गॉड, नाउ व्हाट? अरे ऐसी नाचती रहेगी ना जिंदगी भर, कुंवारी रह जाएगी। गो टेल हिम। क्या? दैट यू लव हिम, दैट यू लव हिम। अच्छा तेनू किने दसया? मेरा हीरो। हाय हाय, अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो हर जगह है, ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते, तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं
मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इसने कहा you know she loves you, इसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। But you know you really got a problem. Hey, what problem? Everywhere there is a problem. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? आई एम फ्रॉम इंटरपोल, ऑल पोल खोल। यू नो द प्रॉब्लम, आई नो द प्रॉब्लम। शी इज लविंग यू, यू आर नॉट लविंग हर, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। देयर आर एवरीवेयर शॉपिंग सेंटर्स बट नो लव सेंटर। We need love center. What do you think? Love is also valto chit. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. Kaho na pyar hai, kaho na. Bas kar apna drama, nahi to marunga terko. Mujhe maar kar kya milega? Osaka Shipping Corporation ke godown mein itna asla aur barut pada hua hai. Zara se bhi der ho jaye, to desh ke hazaron masoom jaan se jayenge. Osaka Shipping Corporation. Meter down karo, taxi phir milega. किसी ना किसी मोड़ पर। You pushed me. I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. बिल एक मानता नहीं, बिल तो पागल है, बिल तो दीवाना है, खाए पिए कुछ नहीं, हम बिल दे चुके हैं सनम, ये नशे में है। नशा में नहीं, होश में है मैन। नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ, नशा वहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, यू कैन डू इट मैन। देखा है क्लब 2000, मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। बाय लेट ले देख पागल। मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ, अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी फुल ऑफ फन मैन एंजॉय, मेक द बेस्ट ऑफ इट। मेरी ड्रेस कैसी लग रही? गॉर्जियस। आई एम रियली नर्वस यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। Excuse me. Hey, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? Relax, काजल, मैं अभी आ रही हूँ। Have a drink, काजल? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। और ड्रिंक तो यहाँ दिखे नहीं पीतो तो की पीता तो क्यों काजल? Oh my God, मैं कैसी लग रही हूँ? You think करण ने मुझे नोटिस किया? What rubbish! Excuse me. Hi. Hi. याद है आप मुझे मिले थे? कॉलेज में। कॉलेज में टेरेस के ऊपर। कॉलेज में कौन जा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा, कॉलेज टेरेस जा, कौन सा कॉलेज जा? क्या मंजिल मान में? अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? ठीका पास। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? हाँ पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे, टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे? गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरिस पे पास में लगे चाइनीज गुंडा? टेरिस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं, एहसान नहीं, थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माई डॉक्टर। नहीं नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉक्टर। नाइस टू मीट यू। सेम है। प्रियंका, प्रियंका, अरे सर जी, सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया, देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है सर। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? नारायण नारायण, नहीं नहीं सर, नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी फिर। मैं तो अपने गार्डन में घास छीलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर,
आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशू का गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना, तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक, सर मैं ये कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उगी नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए, तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिलना, मजा नहीं आएगी। देखो गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते हैं। सरजी, सरजी, वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए, ये लो जा। सर बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, कमल राय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक है, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं? ईमानदार वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं, मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं, अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामा खा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं तो पिए हूँ, उधर हो आप, कहाँ थे इतनी देर से, आइए। सर ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता हैं। नहीं नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं जी, ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। और तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा आप लोग बैठिए ना। हाँ मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है, आपने क्या करने का। अच्छा क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, हेलो कन्हैयालाल। क्या हुआ, फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। मिठाई तो खिलाओ सबको, शादी पक्की हो गई। अरे मुबारक हो, लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार, ये लीजिए, ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ था मतलब तो क्या मैंने खा लिया? नहीं नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार, मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया, ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं।